अल्लाह तबारक तआला ने जो कुरान में आयत नाजिल फरमाई उसकी थोड़ी सी तशरीह में कर दूं। अला इन औलिया अल्लाह, अला इन औलिया अल्लाह, लफ्ज पर तवज्जो दें। अला का मतलब होता है खबरदार, खबरदार। अला इन औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना कोई खौफ है ना कोई गम है। किसी चीज का खौफ नहीं और किसी चीज का गम नहीं। खौफ दुनिया में होता है और गम आखिरत में होता है। खौफ जो है दुनिया में किसी ना किसी से डरता ही रहता है आदमी, ये मेरे से बड़ा है, वो क्या कर देगा, ये खौफ दुनिया में है और गम आखिरत में है। गम किसको कहते हैं, अरे काश मैं ऐसा किया होता दुनिया में तो आज फंसा नहीं होता, आज मैं ऐसा कर लिया होता तो जन्नत के फलां दरवाजे से जा रहा होता। कयामत के दिन गम होता है और दुनिया में खौफ होता है। और रब ताला फरमाता है मेरे वली ऐसे हैं जिन्हें दुनिया का खौफ भी नहीं और आखिरत का गम भी नहीं, उन्हें यहाँ किसी का डर नहीं, क्योंकि वो अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके अलावा वो किसी से डरते ही नहीं। आखिरत में गम उसको होगा जिसने यहाँ जवानी अय्याशी में गुजारी हो, जिसने यहाँ पर गुनाहों के मजे लेकर के जिंदगी गुजारी हो, वो आखिरत में डर और खौफ महसूस करेगा। लेकिन ये औलिया जिन्होंने सब कुछ तर्क कर दिया अपने रब के लिए, उन्हें किस बात का गम होगा। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये, अल्लाह फरमाता अला, आगाह हो जाओ, खबरदार। ये लफ्ज अरबी में कब कहा जाता है? मिसाल के तौर पर कोई चल रहा है रास्ते पर, कीचड़ है, तो मैं कहूंगा